वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। जब भी हमारे यहाँ कोई काम 1920 से 1921 तक पहुंचता है या फिर मुल्की हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं या घरेलू हालात हाथ से निकल जाते हैं तो फिर एक ही हाथ होता है जिससे हमें कोई उम्मीद होती है और वो है कानून का हाथ। मगर कुछ अफसरान को देखकर ऐसा लगता है जैसे कानून के हाथ पर किसी दुल्हन की तरह मेहंदी लगी है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो लेकर चलते हैं आपको एक ऐसे ही थाने में जहां पर लोगों को इंसाफ मिले ना मिले मगर वहां पर मुकमुका जरूर हो जाता है। तो चले थाने में। किन्ने बंदे हो तुसी इस थाने च? पांच जी। ते पांच बंदियां दे हुंदियां इत्थों एक नशेई दौड़ गया। अभी रिसेंटली मैंने सुना था कि अदालत के अहाते में से एक खातून एएसआई ने भागते हुए मुजरिम को पकड़ लिया। आपसे एक मुजरिम भाग गया तो तुसी भी तो बैठे हो भाज के फाड़ लिया। और ये बताएं ऐसे जो साहब कि मैंने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है। सर तारीफ तो उस खुदा दी जिन्हें सारा कुछ बनाया सी, ना चीज ये बंदे हैं जी। किने मेरे को रखी है ओ सर ओ तत्ते बाबा हिफाजत लिए और बड़े रख नहीं गल नु समझे नहीं तेरे पता मेरे को डर लगता ओ सर एक कर ले सर ये मैगजीन भी है उधर कर। शाबाश है भाई, बहुत बहादुर है, माशाल्लाह बहुत बहादुर है आप। यहाँ के हालात तो इतने पॉजिटिव नहीं लग रहे, लेकिन रिसेंटली मैंने सुना है कि लाहौर पुलिस की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो गई है। जी जी। कि ये जो शिकायत की कॉल्स हैं उसमें तकरीबन 22% तक कमी आई है। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है आपकी भाई। इस परफॉर्मेंस की बात नहीं करी, रांझा नहीं बनना, मैं आपकी एज अ पुलिसमैन परफॉर्मेंस की बात। थैंक यू वेरी मच मैडम जी, लेकिन गल है कि जदों तक मैं इस इलाके जा मैं को मुजरिम बाहर रह नहीं देना। मैं जी 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 बेबा अंदर रजाइया नवी मंगा लिया ने सर। सर ओ तू सलूट मेरे इथे एदे च रख। ऐसे जो साहब मैंने सुना है कि पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है कॉल्स शिकायतें जब आती हैं तो वो 5 से 7 मिनट पे आ चुका है, बड़ा पॉजिटिव है। बहुत शिकायतें आती हैं। साढ़े साहब तो एडे सख्त ने, कल एक जगह रेट मारे है, इंज ठुड मार के दरवाजा खोले अगे जुआ हो रहा, अपना भी सस हो रहा इन्हें। हाँ जी। गल किते दी किते पहुंच जानी है, थाने दे विच दी गल करो काका। ए साहब उन्हें बड़े दलेर आ। अच्छा कैसे? लो रोड दे उते एक बंदा आ रहा, सर नु शक पई कि आले ले ला बाला है। हां जी टन सी ओ बंदा टन। मेरे साहब ने कहा मुंह सुंगा, ओ कहंदा पहलो तू सुंगा, कहंदे फिर जा। जी सर। ओ असल च जिले दोवां ने मिठे पान खाधे सी। जी जी पब्लिक सब जानती है। ऐसे जो साहब ये क्या बाजी, मैं तानू की दसा, इने में नशे दे इल्जाम ही फड़ के लेके आ गए ने। नशा नहीं करते आप? नहीं मान नल नहीं करते। असी इंज बोल रहे हैं, वो तो सही बोल रहे हैं। हां उन्हें तो नशा नहीं किया। नहीं मैं की नहीं, मैं यकीन करो नशे नहीं किया। मेरी मासी ने मेनू तवीत पाई तेरे। लो जी बड़ी अच्छी राय फरार है तावीज हमारे मुआशरे में। बच्चों का खर्चा नहीं उठाना जी मेरे ऊपर तावीज हो गए हैं। मजदूरी मेहनत नहीं करनी जी मेरे ऊपर तावीज हो गए हैं। काम नहीं करना मेरे ऊपर तावीज हो गए हैं। भाई इस तरह तावीजों से कुछ ठीक होता तो हमारे मुल्क की इकॉनमी नहीं ठीक हो जाती। जी, आपका नाम क्या है सचो साहब? पढ़ ला तन नहीं पढ़ना होता, इतनी दूर से मैं कैसे पढ़ू? सरोज खान जफ्फा। जफ्फा क्या मतलब? एक मुजरम दा जदों सरोज खान आया करके जफ्फा पाउंदा है ना, मुजरम दी एडी जरूरत नहीं के मेरे हथों निकल के दौड़ जाए। क्या बात है, बंदा बोलदा ही इंज जिवें नींदर चा बंजा डा, मैं तेरा अख ला ली ए ते मैनूं नींद कल नहीं आई ए ते। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ। ਜਨਾਬ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਬਸ਼ੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਨੇ? ਜੀ। ਅਰੇ ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਪਸਤਾਲ ਨੇ ਠਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ। तो बाबा जी आप जिस काम आए ना वो करें। अल्लाह खैर करे। ए आउट ऑफ सीजन इंसान कौन है? माशाल्लाह बाबा जिद्दी तेरी उम्र है, तू एदी फिल्मा ऐ करके वेखी होनी है। नहीं यार सच साहब, जिद्दो इना दी तेरे प्यार में लगी है। ओए होए ते मैं सोचिया मेरे प्यार में क्यों नहीं लगी? जिद तुहाडी मोहब्बत सच्चियां लगियां ने जी, उदो मेरे मैट्रिक दे पेपर जारी सन।
अरे आप मुझे इतना पुराना बना रहे हैं। खुदा न खास्ता कांस्टेबल दे मुझ खाक अकेले शेर च भी ना तुसी पुराने हो ते ना मैं पुराना वा मैं नजर बड़ी छेती लग जाती ओ तैनू ते वैगन लगनी चाहिए तो नजर दी गल करन दे कि जिन्नी तेरी उम्र है तेनू उल्ली लगनी चाहिए बल्कि जिन्नी तेरी उम्र है तेनू करंट लगना चाहिए करके मेरा चप्पल क्वा वर्गा सिपाही भर्ती किया साहिल को दिलचस्पी नहीं अपना मसला सुनाने में बताए ना एस एच ओ साहब को क्या प्रॉब्लम है आपको जी मैं यह मसला ही दसण इतने आया हूँ अच्छा बाबा जी तुसी ना हर गल बड़ी चेत के कर रहे हो मैं समय नहीं आ रही बाबा जी इधर आओ जरा मेरे को मेहरबानी सुनाओ अपना कि तुम्हारा केस की है देखो मैं बाबा कह के कॉल ना करो अच्छा अपना दसा कि बस उस जमाने दी ज्यादतियां ने सानू थोड़ा जा चुका दिता है वरना असी ऐसो यंग बांदर बहुत अच्छे होना बाबा जी जिदा पॉइंट पे आए बताए कि मसला क्या मैंने कुछ किया तुसी अपना गाले भी अपने सांडू का स्वेटर पा के आना लिया बाबा जी आप बोर कर रहे हैं आपको पता है पहले सोच ही बोर हो गया एडवांस पैसे तो नहीं ले बैठे बाबा जी दसो प्रॉब्लम की है ताड़ी एस सच्चो साहब अपना की ना तो डा शरोज जफा जफा साहब गाले वेखे मेरा उतला पोर्शन खाली है किराएदार रखने हैं नहीं तो अपना बाबा जी उतले पोर्शन च प्रॉब्लम की है सर अपना उतला पोर्शन रेंट आउट कर चुका अच्छा जी जेड़े मेरे किराएदार ने मैं बहुत डिस्टर्ब कर रहे ने अच्छा तंग कर रहे ने की तंग कर रहे तानू मैं अपना मकान खाली करवाना चाहना हां खाली करा के कल्ला रोना फिर उते बैग मैं बहुत डिस्टर्ब हां होया की सी गल की है डिस्टर्ब होए क्यों बुजुर्गो तुसी भाई चंद ना दी गल है पहले जी मैं अपने थल्ले पोर्शन ते सा जी उत्तो मैंने बिल्ली दी चीखा दी आवाज आई है बिल्कुल मैं फज के जी एक घंटा 15 मिनटां च उतरे पोर्शन च गया बड़ी छेती पहुंच गए हो तुसी थोड़ा जे हाथ हौला रखो क्योंकि एडी स्पीड ना नहीं जाईदा एसएचओ साहब मशवरे दे रहे हैं आप रिपोर्ट लिखे ना उनकी ओ मैडम को रिपोर्ट ली गल आएगी तो लिखांगा मैं हुन कान ते को कार्टून बना दे इथे पेन और पेपर ही नहीं है यार मैडम जी सारा कुछ हैगा साडे को असि अल्लाह दे होम ने सारी रिपोर्ट इथे दर्ज कर लेने हैं जे तुहानू ब्रेन हैमरेज हो गया ते मैं अपनी रिपोर्ट कदी दस नहीं नहीं इनकी बात वैलिड है आप कागज पे लिखे अच्छा मैडम जी तुसी ना एवें बेइज्जती ली चखंडे हो जे कई बाबे इथे आंदे कई जांदे आ अही अपना कागज क्यों जाया करिए पहले सोच लेते कि मसला खुद से हल हो जाना है लिहाजा पुलिस ने मसला हल ही नहीं करना जी बाबा जी तुसी उतले पोर्शन च पहुंचे सवा घंटे च जी तो मैं उते गया ते ओ जड़ा मेरा किराएदार है हां जी ओ बिल्ली नु पकड़ के ते ओदे नाल स्लो मो बना रहे है ओए वाह जी वाह सुन लिया जी मैडम जी हुन दसो इथे मैं की रिपोर्ट लिखा आखिर तक सुने ना आप आगे बताएं एहो ही ते ओदो मैं करने हां तुसी ओदो कोमे च सो अच्छा अब कर ले अपना टप्पा साहब मेरा मतलब क्या है एसएचओ साहब अच्छा जफा साहब मैं जब जाके क्या मैं कहा आधी रात नु तुसी मासूम जानवर दिया अपना सलोमा बना रहे तू बाज नहीं आना जी उस बंदे ने मेनू थ्रेट किया की थ्रेट किया जी तानू बदमाश है पार्टी है तुसी समझ लो कि मैं जॉन सिन्हा नु कर कराए ते दे बैठा जॉन सिन्हा नु कर कराए ते दे बैठे जे ते फिर ते रॉक नु बुलाइए ओही छुड़ाएगा तुहाडा ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਫੌਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਰਵਈਆ ਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਆਪ ਉਸਸੇ ਨਹੀਂ ਤਗੜਾ ਹੀ ਐਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੀਨਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਫਲਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਓਪੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਕਵਾਇਫ ਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸਕੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਥੀ ਆਪਨੇ ਜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜਾ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਬੀਆਂ ਬੀਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਆ ਵਰਾ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਗਏ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
शो के अलावा मेरी और क्या मसरूफियात, सुबह से शाम तक तुम रिकॉर्डिंग करते हैं। इस तो अलावा की कर रहे हो मैडम जी? इस तो अलावा भी एहो कर रही हैं सर जी। लगो चलो बालक मकान होते बड़े जालम है। चलो अगे ला दे, हो गया ते हुंदा का पता। ओए अगा चल ओए। वाह जी वाह जप्पा साहब, ए रे बदमाश जरा मेनू अखा बखांदा। सच्ची मुच्ची का खामद लग रहा है। तलाशी लो। मुझे लग रहा है शादी से पहले जॉन सेना। नहीं गुरबत ना सिक्स पैक बने। तैमूर साहब तन चोट तो नहीं लगी? तैमूर साहब जी, तैमूर सुल्तान। वाह जी वाह, वो सुल्तान घोड़ियां ते फिरदे, इहदे को मैं लगदा बकरी नहीं हैगी। और देखो इसका पति औरत कह रही है कि क्या तुसी इहनां दा नाम है? बाबा जी जरा थाने च तमीज नाल गल करो, ये थाना है, कपत्ति नहीं कहना तू। आप साहब है? नहीं मैं तो इन्हों छुटना आ मालसी हाँ, मैं ये SHO साहब है। हाँ मोहतरमा इधर आओ ना, जरा तुम दसो कि ताड़ी की प्रॉब्लम है, तुम उन्होंने घर खाली क्यों नहीं कर रहे? कपत्तिए कपत्तिए उल्ट हो गई है, जुत करो पैसे वापस नहीं। अच्छा तू मेनू केस सुनाण आई है या मेरा केस लिखवाउण आई है तू बीबी? इत्थे ओए आहो ठीक है वीरा, पर गल ते सीधी तरह कर। मेरी मां ने मेनू ब्याह ते 3.5 लाख दा जेवर पाया। हाय हाय 3.5 लाख दा जेवर। ऐसा तो साहब जितनी इत्थे मासूम बनी है। हां जी कल मैं घरों निकलिया, इन सुका सर मेरे सिर सुटिया। अच्छा पसीना आया मेरे वालां झग बन गया। बड़ी फफे कुकड़ी औरत है। अच्छा जी मैं एक दिन घरों निकलिया। देखिए जी खातून को इन अल्फाज से ना आप अल्लाह तेरी यातिया करे, नहीं अल्लाह तेरा शो उल्ट करे। एक दिन मैं घरों निकलिया, इन्होंने मेरे सिर से छिछड़े सुटे ने। छिछड़े 5 मिनट बाद मैंने चीला पे आई है। हां जी वो गल चीला पईया, चीला मेरे छिछड़े नहीं लेके गए, वो इन्हां दी वेगवूग भी नाल ही लै गए सन। दुख इस गल दा, दो बिल्लियां ने तो रहश कर ली सी विच। तैमूर जी नूं बुखार चढ़े आया सी, मैं इन्हां दा सदका वार के सुटे है। चीला कावां नूं भरा मैं कोई गलती की थी? नहीं नहीं तुसी सही कीता। ए थलो लग रहा सी इहदे उत्ते डिग पे, की करना है वो कार रख के, इहदा ते कोई खाण वाला भी नहीं। SHO साहब मसला खत्म करे ना। मैडम मसला हल हो गया, असी भी बड़े बड़े केस सीधे पदरे कीते ने। अच्छा इस कुड़ी दे दुख तो लगता है कि ये सच्ची है ते बाबा झूठा है। जा कुड़िए वो मकान तेरा होया, क्योंकि तू इस काबल है, तेनू मकान दियो, अब बाबे नू चौके अंदर सुटो। जड़ा जड़ा इडिया दी फिल्म च कहंदे प्रकाश बाबू बहुत लेट हो गए। उठो बाबा चल उधर, अल्लाह ताड़ियां खैरा होन, अल्लाह ताडे शो नू हिट करे। बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब ताडे, हाथ ना जोड़ चार पैसे जोड़ के ते अपने बंदे दा इलाज करा। अच्छा जी तुसी मेरे वाले जरूर आना जी, स्लोमो बनाएंगे। हां जी स्लोमो। उठो बाबा चल वे अगे लग सुल्तान भाई अंदर आयो। ओ एक मिनट SHO साहब जी, ये किया क्या है आपने? केस हल कीता जी। ये कैसा केस हल किया है? बाबा जी बैठे हुए हैं, मैडम जिनका घर ही नहीं है, किराएदार है घर उनको दे दिया है, बेगुनाह को जेल में डाला। अच्छा बाबा जी तुहानू 2 मिनट ही बैठे नजर आ रहे ने, अगले मिनट च इन्होंने अंदर होना है। नहीं क्यों होना अंदर, मजलूम ते जुल्म कर रहे ने, उनको अंदर कैसे दे सकते? ओ हेलो भाई ढूंढ गल कर रहे भी ओ बड़ाला। चलो उठो बाबा। भाई तू साडे केस च ना बोल, कढ़ाई च साबण लगा हुंदा। चलो बाबा अंदर। जेड़ा आप उठ वे कादा बाबा, आ जा बाबा उठ जा। एक मिनट घरों आया ना, इतो भी चल जाएगा, चल अगे लग। इसी वजह से लोग कंप्लेन कराने थाने नहीं जाते। कोई वक्त दी नहर होवे, दवा खरी तेरे चाण वाले दी खैर होवे। आयो बाबा जी बस नहीं चलता, एक विग ला के शाहरुख खान ही ला लवे। देखो जी मैडम जी कीता केस हल के नहीं कीता। आप ये बात छोड़े, आपने उस बेचारे को अंदर क्यों बंद कर दिया? किसको? बाबा जी को। ओ नशेही बेचारा कल्ला सी, अगो रात पैन दी, मैं कहना चलो दोवे आपस गपशप करते रहे। भाई बहुत अच्छा मिलाप कराया तू,
बाबा जी मेरी मासी ना उन्होंने मेरे तवीत पाते ने यार मेरी तनखाई मकाओ तुझे मेनु मकान लगे बाबा जी तुसी खाना पका लेंगे हो मेरा ना बड़ा दिल करता पे बुलाना परौंठा खाने में ऐसा तो साहब मेरा जोहर टोंचवी प्लाट है अच्छा जी वो सौरत नु दे दियो मैंने बोर कर रहा बार कर दिया बाबा जी और ना लकी गल मैं ना अपनी मासी जी धी पसंद करता सा बड़ी सोहनी सी ना जल मैं उन्हें घर जाता था ना तो मेरी बड़ी तारीफा करती थी वो गल के सुनने वाली बाबा जी ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸੀਮੇਂਟ ਇੱਟਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਹੈ ਹੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਰਾਉਣਾ ਜਾਏ ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਦੂਰ ਦੀ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਮੁਜਰਮ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਐਸੇ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਇਨਕੋ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਉਹ ਖੜੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਵੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ 9ਵੀਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸੇ ਅਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਅੰਦਰ ਯਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਤੁਮ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤیں ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਾਤیں ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੂੰਗੀ ਬਾਜੀ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਲੰਮਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਤੇ ਤੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋ ਤੋ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਆਪਕੀ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸ਼ਬੀਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਬੈਠਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਓ ਆਹੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਂਟਿਆ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਂਟਿਆ ਕੀ ਯਾਰ ਜੋ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤੁਮਸੇ ਬਾਤ ਡਾਂਟਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੈਮ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰ ਆਪ ਖਾਤੂਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਕੀਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਫੜੋ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਦੋਨੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐ ਮੇਰਾ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ देखें जी थानों में बैठ के जब ये वाली बातें होंगी तो फिर कानून क्या कर रहा है ओ मैडम जी तुसी सानू कानून ना सिखाओ असि इथे एवे नहीं पहुंचे आ वर्दी असि एवे नहीं पाई तुसी अपना मुद्दा बयान करो कि गल की है विचों मैं ह्यूमन राइट्स वालों की तरफ से आई हूं भाई साहब ओया हो साडे को केड़े भुल्लिया आ जेड़े गड्डियां दे बम्पर बम्पर बणाउंदे उना भेजिया तन्नू भाई साहब ह्यूमन राइट्स ओया हो आ जेड़े की कहंदे आ जेड़े ओ जिन्हां नू फोन करो ते अपना अपना गड्डियां गुड़ियां मंगा लो उना दी नहीं नहीं इंसानी हकूक की तंजीम जहां पे जुल्म हो वहाँ पे जालिम को पकड़ा जाता है अच्छा 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 और ये आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी करवा सकते देखो जी असी ते चट शुगल दी दो मैडम जी गल्ला कीतीयां ने असी भला नहीं जानदे हुण आए किधरों मैडम जी चाहुंदे की हो तुसी जालिम आदमी ने हुम रेस वाले तुसी हो हां जी इन्होंने मेरे ते तशद्दद कीता है क्यों जी यकीन नहीं आंदा मैं तन्नू लाशां दिखा सकना अबू बकर खान साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में
नहीं, मैं कहता हूँ कि आप इनसे पूछें एसएचओ साहब से कि इन्होंने जुडिशियल क्यों नहीं किया अभी तक। सर कितनी देर हो गई इन्हें आपने अंदर रखा हुआ है? 2 दिन हो गए जी। चलान इनका जमा हुआ है? चलान मोटरसाइकिल तो है ही नहीं, ऐसी कहा चलान करना जी। मैं भी एसएचओ जड़िया तू पहले अंदर बार के डंगा मारिया ने मैंने हूं मार। एसएचओ साहब आपने बुजुर्ग पे तशद्दुद किया, डांगे मारिए ने। ओ बाबा तेनू विग दे वजन थल्ले है, मत वजी तेरी केड़े वेले डांगा मारिया सी तेरे। बस कर दे तेरे जुल्म दी अखीर हो गई है। और जेड़े मेनू इथे 15 छेत्र मारे लटा के उस नशाई नु मेरे पैरां ते खड़ा करके हुण मार। हुण मार। एसएचओ साहब आपने छेत्र भी मारे बाबा जी को? ओ बाबा जी दी सेहत वेखो, ए ते एक छेत्र तो बाद आप देख पंदा 15 किन्ने मारने तानू। मैं कह रहा एसएचओ तू जो जुल्म कीता है मैं अपने एक एक जख्म मुखावांगा। मैडम जी इन्होंने जान नहीं छड़नी, खुदा दा वास्ता तुसी ब्रेक ले लो जी। बिल्कुल यहाँ पे तो हर एक नहले पे दहला है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। नाजरीन दुनिया में बहुत सारी तहरीकों ने जन्म लिया, इसमें कोई बनी लॉन्ग मार्च तो कोई बनी शॉर्ट मार्च, मगर इन तमाम तहरीकों में जो सबसे नुमायां और मुतनाज़ा बनी वो है औरत मार्च, वो जिसका स्लोगन था मेरा व्हाटएवर मेरी मर्जी। बहरहाल इस मार्च के शुरू होने के बाद इस मार्च के नाकेदीन और मदाहों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है इसी मार्च के बहुत बड़े नाकेद खलीलुर रहमान कमर और इसी मार्च की बहुत बड़ी मदाह, बहुत ही बहादुर दिलेर और निडर खातून है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। खलील साहब कैसा लग रहा है आपको शो में? सबसे पहले तो सदके तुम्हारे। थैंक यू। ड्रामा देखा है मेरा तुमने क्या? जी जी बिल्कुल। अच्छा ड्रामास तो खलील साहब आपने बहुत ज्यादा किए हैं, हिट भी हुए हैं, लेकिन फिल्म आपकी फ्लॉप हो गई। वैसे तो आप खवातीन से इतने बेजार हैं, फिल्म का नाम आपने रख दिया काफ कंगना। यानी कि बड़े अफसोस की बात है कि एक वो औरत ये बात कर रही है जो हीरोइन रह चुकी है, क्या तुम मेरे बारे में जानती नहीं? हाँ जानती है, ये जो कहते हैं नहीं। हाँ जी प्लीज ड्राइवर गाड़ी रेडी रखो। ताड़ी गड्डी रेडी है मैडम, पट्ठे खा रही ताड़ी गड्डी। मोहतरमा जो डोर वाले पिन्ने तो डोर मुक जाए ना ते बाद जड़ा नहीं रह जाता उधर का मोहतरमा ताड़ा मुंह है। अरे तुम बड़ा बड़बड़ कर रहे हो, ये बार बार तुम इंडिया फिल्में करने जाते हो, यहाँ तुम्हें फिल्में करते हुए मौत आती है, यहाँ फिल्में नहीं मिलती? नहीं नहीं भाई जफरी भाई मेरा भी सवाल है, आप इंडिया की फिल्में करें बहुत अच्छी करें, लेकिन पाकिस्तान में भी करनी चाहिए आपको। अच्छा ना तो वो इंडियन फिल्में है ना पाकिस्तानी फिल्में है, वो एक इंटरनेशनल फिल्म है जो कि इंग्लैंड अदारा बना रहा है, इसी वजह से वो दोनों मुल्कों में फिल्म चलती है। अच्छा मैडम ये बताएं कि ये जो औरत मार्च आपने की है शुरू, इससे कोई खवातीन के जो हकूक हैं उसमें कोई बेहतरी आई है, कोई बेटरमेंट हुई है? बेहतरी आ रही है, क्यों नहीं आ रही? खाक बेहतरी आ रही है। क्या बकवास कर रही हो खलील? आप बताओ मीना एक मिनट। अरे खलील साहब उनको बात तो करने दें आप। देखो मेरी बहन ये किस तरह की बात करे, खलील प्लीज। देखो मेरी डैन बात सुनो, आप ना बोलें ज्यादा, आपकी मेहरबानी है। मेरा एक बात बताऊं? खलील साहब तुसी भी गलत कर रहे हो, जो भी है तुम्हारे लिए लेडीज खातून बैठे ने तुसी उन्होंने शैटअप नहीं कह सकते। लेडीज खातून क्या होता है? बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। दोनों जो एक गल ते मनेगा ना ड्राइवर फ्रेश जूस खुद पी लो। ड्राइवर तुम्हारा ना सवारियां छड़न गया, तीन अगे तीन पिछे ते एक ओदे पिछे। ड्राइवर गाड़ी को सीधा करके लगाओ। सीधा करके लगाओ हाँ, क्योंकि गड्डी लैदा है ते इंजन पीछे लैदा खिला रहा है। जिस गाड़ी में आई हूँ कि उसका यही हाल होगा। वीना जी बात यह है कि भूला नहीं हूँ और ये भी नहीं कि याद आते हो। अच्छा पहले सबसे पहले तुम आते थे और अब तुम सबके बाद आते हो, कहाँ गायब थी तुम इतने अरसा, तुमने अपने आप को छुपाए रखा। खलील ड्राइवर वो अपना चाचे बशीर को भी बुला लो, खलील ज्यादा लूज टॉक पे उतर आया। अच्छा मैडम ये बताएं शादी हो चुकी है आपकी? असल में ये चुके ना ये इसी हया नहीं है,
अच्छा मैडम आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं? प्लीज इस सवाल को रहने दें, मैंने कभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं दे सकती क्योंकि इसकी तीन तलाकें हुई हैं। औरत ही ऐसी है ना, अपने मर्दों को तंग जो बड़ा किया है। अच्छा स्वीटी आंटी आप ये बताइए कि आप फेशियल कहाँ से करवाती हैं? कुछ नहीं, ब्यूटी पार्लर से छोटा जा बांबर आदि खोल दी था डजन तैयार। नहीं अवकाशा इसलिए पूछ रही था कि वो वहां से ना कराए। ये रेगमाल वाले से करवाती है फेशियल। खलील ओए मेरा नाम ना लो अपनी जबान से, मैं तुम जैसी औरतों को जानता हूँ। ये छोटी छोटी हमारी बच्चियों का दिमाग खराब कर रही है और तुम जैसी औरतों की वजह से हमारा मुआशरा कोलैप्स करने वाला है वीना। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि तुमने ऐसी औरत को मेरे साथ बुलाया क्यों। इतना माशाल्लाह प्यारा शो है तुम्हारा, क्यों ऐसी औरतों को बुला के गंदा कर रही जा रही हो? खलील ड्राइवर प्लीज 1122 का नंबर मिलाओ। और तू कर ले। मैनु याद नहीं है। खलील बहुत होगी बेरुखी, अब खत्म कर दो इन बातों को। असल में मैं अपनी जिंदगी में कुछ चेंज चाहती हूँ। मर जाए मर जाए, इससे अच्छा चेंज हो नहीं सकता। काफी जी लिया आपने, पता आपको इस बात का? कैफी के बेटे हो ना तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे बाप ने बहुत से लोगों को चांस दिया तो मैं भी चांस में हूँ। अगर उन्होंने आपको चांस नहीं दिया तो अब ये लोग क्यों दें? तो आप मेरे लिए इतने नहीं कर सकते कि खलील को मनाएं? आप किस बात ने, आप किस बात ने मेरी आंखें खोल दी हैं स्वीटी आंटी? खलील साहब सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, प्लीज एक दफा अच्छा ऑडिशन ले लें। आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा देखिए आप दोनों एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं तो क्या हो गया, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। खलील साहब आप भी उनको एक्सेप्ट कर लें और आप भी एक्सेप्ट कर लें कि वो ऐसे हैं, दोस्ती कर लें ना। हो नहीं सकता, तुम्हारी बात सर आंखों पे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं कोई पागल नहीं कि इनके खिलाफ लिखता बोलता और कहता हूँ। ये जो अल्फाज ऊपर से गिरते हैं और मैं उन्हें पिरो कर आपके सामने पेश करता हूँ, मैं दरअसल अपने मुआशरे की सच्चाई को आपके सामने लेके आता हूँ। अच्छा जी, मेरे वास्ते नहीं, तेरे ते अल्फाज लिख दे तेला करे को पत्थर निके। वीना जफरी मैं अपने कलम की स्याही कभी खत्म नहीं होने दूंगा। वाह, इस कलम ने बहुत चलना है। वाह। और जो बंदा अपनी कलम की हिफाजत नहीं कर सकता वो इस मुआशरे में जीने का हकदार नहीं। नहीं नहीं, इंसान को अपने कलम की हिफाजत करनी चाहिए। दो चार अल्फाज मेरे लिए भी लिख दो। दो चार तुम्हारा दुर फिटे मुंह। हाँ। नहीं दो चार अल्फाज से आपका गुजारा नहीं होगा। बेटी अब आपका ही कह रहे हैं। बिना मर्द अगर मोहब्बत से एक अल्फाज भी कह दे तो औरत सारी जिंदगी नहीं भूलती। बिना तुम्हें पता है कि इस जैसी औरत और अच्छी औरत में क्या फर्क है? क्या बार बार इस जैसी औरत, तेरी कार कोई औरत नहीं की। रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। हाँ ठीक है बता। ड्राइवर मेरे जॉगर निकालो है? जो मैं फ्रांस से लेके आई थी ना। गड्डी दे नाल नाल दौड़ना तुसी। मैं एक मिनट नहीं रुकना चाहती, तू गड्डी दे मुंह सीधा कर बिल्कुल। इस जैसी औरत अपने शौहर का इस्तकबाल सीमेंट के मुंह से करती है और अच्छी औरत दरवाजा खोल के ही यूं करती है, आप आ गए सरताज। जेड़ा तानू कभी किसी ने नहीं किया। खलील साहब आप ज्यादा औरत औरत कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, ये भी सारे मतलब लेडीज ही बैठी हुई है। देखिए आप ना, ये अच्छी औरत है, ये अच्छी औरत है, ये अच्छी औरत है, ये है तो। हेलो ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर भाग गया, फोन नहीं चुकता पे, पता नहीं कितने गया मेरा ड्राइवर। वो गड्डी सीधी कर रहा है क्योंकि उन्होंने वाट पाए थे, उन्होंने इस्त्री कर रहा है गड्डी। बिना हमारे मुआशरे में औरत बड़े जुल्म का शिकार है। इन जैसी औरतें तो किटी पार्टीज करती हैं, कोई रॉबी की पार्टी करती है, कोई शॉबी की पार्टी करती है। जुर्म है, औरत को आजादी चाहिए। नहीं नहीं, कितना आजाद होना चाहती है? नहीं एक आजादी की एक लिमिट है। वीना मेरी बात जी, मैं यहाँ पर एक बात करूंगी। आपके अल्फाज औरत के लिए बड़े सख्त होते हैं खलील साहब। औरत थोड़ी सी कहीं गलत हो, किसी के साथ सलाम भी ले ले तो उसके लिए इल्जाम के तूफान उठ जाते हैं। औरत का जुमला भी ठीक नहीं, इल्जाम के तूफान क्या होता है? इल्जाम की बोछार होती है। ये औरत खपत्ती भी है, बेशरम भी है और ये जाहिल भी है। ड्राइवर इसे मार दो, ड्राइवर इसे मार दो। खलील कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन जहालत नहीं बर्दाश्त कर सकता। ड्राइवर उदो आएंगे जो तो मैंने मार देगा। तैसी। अरे खलील साहब छोड़े ना, देना आप उनको एक चांस। वीना मेरी बात सुनो, तुम मेरी बहन हो,
मैं कब से आपकी बहन मेरा मतलब अल्लाह माफी दे, देखो खूबसूरत लड़की प्लीज मेरी कहने का तुम अल्लाह माफी दे दुनिया के फटकार खलील खुदा का खौफ करो प्लीज मेरी सिफारिश करे आंटी आप जैसी खवातीन की सिफारिश नहीं की जाती सुपारी की जाती है ये बात क्या बात कही है सर खलील साहब आप औरतों को इतना बुरा भला कह रहे हैं औरतें खिलाफ हो जाएंगी आपके मैं तुम्हें किसने कहा कि औरतों के खिलाफ हूँ मैं तो इसके खिलाफ हूँ खलील साहब आपकी नजर में आपका अच्छी औरत और बुरी औरत का क्राइटेरिया क्या है देखो वीना सीधी सी बात है अच्छी औरत तुम्हारी तरह होती है पिंक ड्रेस पहना हो अच्छा शो कर रही हो और बुरी औरत ऐसी होती है जिसके ऊपर सूट नहीं कर रहा था बल्कि उस पर गुस्सा आ रहा था अब अल्लाह माफी दे ब्लैक शमीज उस पर सूट कर रही है तो आप ड्रेसेस की बेस पे क्राइटेरिया नहीं ऐसी बात नहीं है गुड़िया देखो तुम भी पिंक पैथरी लग रही हो पिंक पहना है अच्छा मतलब जो पिंक पहने वो अच्छी लड़की है और जो रेड पहने वो अच्छी लड़की नहीं है ऐसे तो हमारी आपा ने भी रेड और मैरून सा पहना ये बुरी है नहीं आपा की क्या बात है तो आप इस टाइम इधर बैठी हैं जी पीछे रजाइयां कौन पार रहे हैं कितनी बेइज्जती तेरी हो गई ने स्पाई दे तो डूब के मर जा तू कोई बात नहीं पुरानी मोहब्बतें हैं पुराना ताल्लुक है जी जफरी जी नहीं हो सकता वीना जी नहीं हो सकता खलील साहब वैसे मैं उस वक्त से आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ उनको एक चांस तो दे दें ये तुम कह रही हो तो मैं फिर भी नहीं दूंगा अच्छा चले खलील साहब मैं सिफारिश करता हूँ कुछ ऑडिशन वगैरह ले लें थोड़ा सा यार वकील तुम कितने क्यूट हो जब मैं योगा की क्लास करूंगी ना प्लीज तुमने आना है यकीन करो जब एक हफ्ता तुम मेरे पास योगा की क्लास करोगे ना तो तुम्हारा ये थत्थापन ठीक हो जाएगा मेरा ख्याल है औरत औरत की बहस से बाहर निकलते हैं खलील साहब आपके बाल इतने घने और अच्छे क्यों क्या लगाते हैं मैं भी यूज करना चाहती हूँ मैं शैम्पू यूज नहीं करता ये आपके ड्रामे का टाइटल है नया ड्रामा आ रहा है मैं वाह 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 क्या तुमने टाइटल दिया है सर अब मेरा अगला ड्रामा होगा मैं शैम्पू यूज नहीं करता अब इसको भी आप कैमरा खोलेंगे ते कट करके जो एंकर के कैमरा खुलेगा ते मैडम एंज करके वालों एंज कर रहे होंगे हाय हाँ जी हाथ से फड़ के अच्छा उसमें मुझे चांस देंगी आप यार ये क्या औरत ये क्या चांस मांग रही है क्या करूँ इसका बताओ देर से वो इतनी मोहब्बत से आपका नाम ले रही है बार बार खलील 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 चलो तुम्हें चांस दे देता हूँ अगर डायलॉग तुम्हें ठीक नहीं बोला तो मेरी बद्दुआ है अल्लाह से कि तुम गूंगी हो जाओ अच्छा आप डायलॉग देखे तो देखे प्लीज जी चलिए प्लीज लाइन सिचुएशन ये है कि सिचुएशन मैं आया हूँ तुम खड़ी हो जाओ हाँ ठीक है मैं खड़ी हो गई खड़ी हो ना ऐ औरत तेरे गुर्दे में पथरी तो नहीं खलील लाइनें दो डायलॉग्स क्या हैं चलो तुम्हें लाइंस देता हूँ हाय वे खलील तू तो मेरे नाल भी जिठा है ड्राइवर गड्डी चो उच्चे बूट कट के लिया अब आप ही बताओ इसे चांस देना बनता है मैं अपने खलील नु उच्चा देखना चाहनी हूं अच्छा डायलॉग की तरफ आते हैं जी मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि सेनोरिटा बड़े बड़े शहरों में छोटे हुए पूरे डायलॉग तो सुन ले खपत्ती बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं तुम कहोगी हाँ वो तो होती हैं ए सेनोरिटा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं मगर तुम्हारी जितनी छोटी नहीं होती अब ये देखो चांस बनता है नहीं नहीं बिल्कुल सही बनता है नहीं नहीं बिल्कुल सही चांस बनता है सही चांस बनता है नहीं एक सेकंड यानी आप सच बोलने वाले के भी खिलाफ बात करेंगे वो सच बोल रही है ये सच नहीं बोल रही है मेरी बॉडी शेमिंग कर रही है आप इतनी देर से उनके कसीदे पढ़ रहे थे आप भी तो बॉडी शेमिंग ही कर रहे थे शेमिंग फेसबुक यूट्यूब ये क्या है ये सब थत्ते क्यों हो रहे हैं लगता है पीली शर्ट वाले का असर सब जगह फैल गया है ओ भाई साहब मेरे पे ना हो माशाल्लाह माशाल्लाह खलील साहब किनिया डबिया पेन पी जाते हो मेरे रोज का एक पेन होता है मैं तुम्हें अभी एक सिचुएशन बताता हूँ एक शैम्पू का एड है शैम्पू का एड है हीरो आता है हीरोइन के पास हीरो आता है और उसकी जुल्फों की घनी छांव की तारीफ करता है और हीरोइन बाग में शर्मा के चली जाती है अच्छा सिचुएशन अब स्टार्ट हो रही है तुमने अपना सर घुमाना और जुल्फें मेरे चेहरे पे मारनी है ठीक है स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन ये तुम्हारी घनी जुल्फें बोलो ये बोलो क्या राज है जुल्फों का कहां वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का डोंट गो एनीवेयर ड्राइवर खलील मेरी विग लेके भाग गया है
वेलकम बैक टू मस्तियां वन मोर टाइम। अच्छा वैसे भारत में शादियों के बड़े कोई मजा का खेज वाकयात होते रहते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल भी होते रहते हैं, और कई वाकयात में तो दुल्हन शादी छोड़ के भाग जाती है। भारत की एक रियासत उत्तर प्रदेश में अजय कुमार नामी दूल्हा जो है वो बड़े जोशो खरोश से शादी हॉल में दाखिल होता है और मुख्तलिफ रसूमात अदा करते हुए वो अपनी विग ठीक कर रहा था और ऐसे में दुल्हन की नज़र उस पर पड़ गई। जब दुल्हन को ये पता चला कि दूल्हा तो असल में गंजा है और विग लगाता है, तो सोचो दुल्हन के साथ क्या हुआ होगा। दुल्हन वहाँ गिरकर बेहोश हो गई और दुल्हन के वालिदैन ने शादी कर दी कैंसिल और दूल्हा पर धोखादेही का मुकदमा भी कर डाला। मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई धोखादेही से शादी करने की क्या जरूरत है, बता देता मैं गंजा हूँ विग लगाता हूँ। हाय हाय, ते उस बेचारी नमाणी ते की बीती होगी उस पल च कि जिन्हें वेख्या उन्हें इंज करके अपना लाड़ा है, जो उन्हें खुरकिया दे विच ओदा ही सौरा निकल आया। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग मियाँ बीवी होते हैं जी। एक खातून ने अपने मियाँ से इसलिए कह दिया कि जी मुझे छोड़ दो क्योंकि वो बेड पे बैठ के खाना खाता था। दिस इज वियर्ड। वियर्ड है ना, बहुत सी वियर्ड हरकतें होती हैं कि जी तुम बेड पे बैठ क्यों खाना खा रहे हो, तुम्हें मैथ्स नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। अच्छा, कोई शादी कैंसिलेशन का वाकया आपने भी देखा? नहीं मैडम जी, देखे बड़े वाकया लेकिन मेरे वाकया जरा लंबे ने। ये आया था प्याने मेरी बेटी को, पहले गौर से देख लो। ये दूल्हा, ये दूल्हा है माशाल्लाह, इन्हें तो लगता तुसी दफनाउंदे आ दफनाउंदे आ इन्हें लाए। ए छोरा तमीज से बात कर। आप कौन है? मैं इस छोरे की माँ हूँ, दूल्हे की। और मैं मामा हूँ। पिताजी, ये तो भगवान की कृपा हुई कि मेरा भविष्य तबाह होने से बच गया। जब मैंने अपने पति का गंजा सर देखा तो मैं घबरा गई। पिताजी आपकी, अभी तेरा पिता जिंदा है? जिंदा है तेरा पिता? ऐसा घटिया बाबा मैं तुम्हें बता नहीं सकती। माता जी आपकी जबान को लगाम दीजिए। तूने पहले धोखा कराया हमारे साथ। मुझे भी मौका दिया जाए बात करने का। होया की सी ताडे नाल? मैं आपको बताता हूँ भैया, शादी की पूरी तैयारियां की। वाह। अच्छा, घर से जब हम निकले 1.5 घंटे का सफर करके हम लड़की के घर पहुँचे, गर्मी इतनी थी कि मेरे ऐसे थोड़ा सा सर खुजाया। अल्लाह माफ करे, तौबा भाई। हुए हुए हुए। ये खड़ी थी ऊपर, गिर गई। नहीं, बेहोश हो गई है। शुक्र करो बच गई है। यही मेरा कसूर है, इससे ज्यादा मेरा कसूर नहीं, मेरे सर को जाया सिर्फ। अच्छा ये बताएं दुल्हन क्या फील कर रही है? दुल्हन आप क्या फील कर रही है? नारी ये फैमिली मैटर है, तुम ना बोलो। मेरे मामा जी हैं, 2 दफा माँ कहे तब जाके बाप का साला बनता है। अच्छा जब तुसी मैडम इन्हां दी तस्वीर वेखी सी घने वाला च, उदो ते तनु थोड़ा जा इश्क होया होगा इन्हां दे नाल? भाई साहब, ये पूरी फैमिली ही धोखेबाज है। ये पीछे जो बैठी है बुढ़िया, ये सबसे बड़ी धोखेबाज है। इसको चाहिए था कि ये मुझे सच बताती। क्या खामोश हो जा। अच्छा अंकल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल हेयर ट्रांसप्लांट का दौर है, तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं और बेटी को भेज दें। नहीं हो सकता भाई, मेरे शुगर है बच्चे को। अंकल अंकल, याद करिए वही बाल है जो देख के आपने मुझे पसंद किया था। ये कोई हल्के बालों वाली विग भी तो चूज कर सकते थे, घने बाल। इतने पसंद थे घने बाल। तौबा तौबा तौबा, शहर के किसी सस्ते खुसरे के बाल लगवाए हैं। उस वक्त तो छोरी तुझे इसके अलावा नजर कोई ना आ रहा है? नहीं पिताजी, ये तो भगवान की दया है कि मेरी जिंदगी बच गई। देख काजल, तू तो बच गई। तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरी मासूम काजल को धोखा दे? अंकल, हेलो, मैं काजल के बगैर मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रह के मर जाऊंगी। पिताजी अब मैं कदम फूंक फूंक के रखूंगी। तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा ये है जिंदगी भर ब्याह नहीं करूंगी। काजल स्कूल चलाएगी, स्कूल। काजल तुझे ब्याह करना पड़ेगा। मैं ये बाल पक्के लगवा के आऊंगा, मेरा इंतजार करना। तुम एल्फी से भी चिपका के आ जाओ, फिर भी मैं तुमसे ब्याह नहीं करूंगा। आपके लिए एक और रिश्ता है मैडम, अगर आप चाहें तो। अब ना नहीं आपने कर दी। बोलो बोलो, कौन है वो? है जो सपनों में आया। आप सीधी तरह से क्यों नहीं कहते, आप चिता से चिता बटाना चाहते। सूरज के मामा का है ये शख्स, ये रिश्ता लेकर आया था। पिताजी बोलिए बोलिए पिताजी। तूने मेरे भांजे के साथ धोखा किया है। तू ना बोल, तू विधवा है, चुप रह। मेरे
मेरी दो फैक्ट्री है पापड़ों की। शनाक्षी जिंदगी में इतने पापड़ बेलने के बाद क्या रिजल्ट दिया? इन्हें को पापड़ बेले से क्यों अपनी फैक्ट्री पा ली उन्हें? रघुनाथ भाई आप बात क्यों नहीं करते उससे? अरे तू जब की विधवा हुई है तेरा दिमाग घूम गया। मेरा नाम रामू काका है। रघुनाथ से रामू काका? हाँ। यार आप कालीचरण में नहीं थे? तू मेरा बेटा जितनी बड़ी ऐनक लगाई है ना, छोटे छोटे वेपर लगा इसके सामने। पिताजी आप मेरा मंडप जला दीजिए। पिताजी माताजी मैं आपको बता दूं, अगर मुझे काजुल ना मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। शुभ शुभ बोल भांजे, शुभ शुभ। पहली फुर्सत में करो। अच्छा वैसे अगर आत्महत्या की फोटो बनाइए ना। हाँ जी। तो एनर्जी निकलेगी। पिताजी अपनी बेटी के हक में बोलते क्यों नहीं? आबले पड़ गए हैं जबान में क्या? बेटी तेरी जगह खुद डोली में बैठ जाओ। माँ जी इनफ इज इनफ, बहुत हो गई। कब से आपकी चपड़ 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 सुन रही हूँ तो? आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। तू अपनी जबान को लगाम दे, क्यों अपने बाप को मेरी माँ ने बोलो। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू मस्तियाँ एवरीवन। वैसे मैंने नोटिस किया है कि मिर्जा साहब आप पिछले सेगमेंट में भी चुप थे। खामोश खामोश क्यों है, क्या हुआ है? मिर्जा साहब नहीं बोलेंगे वीना जी। क्यों? इनका बाउंड निकला है। क्या निकला? प्राइस है, प्राइस बाउंड। अच्छा इसीलिए एटीट्यूड में बैठे हुए आप? यार बड़ी बात है मिर्जा, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक। अच्छा मिर्जा साहब को जाने अनजाने से गलती हो गई तो माफ कर देना। नहीं कोई बात नहीं, खैर तुसी भाई हो साडे। और इहो जे बंदे को बहुत भी पैसा आ जाए ना फिर भी पुराने टायरां दी दुकान पा लैंदे। नहीं नहीं मिर्जा साहब मेरे ख्याल से अब आप वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, ऐसा ही है? इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा मैं। नहीं नहीं भाई, सब तो पहला तो एक सोना जिहा घर बनावे अपना। सर कल मैं फोन कीता, मैनू कहंदे ने मैं ते साइड ते आया। माशाल्लाह अपना कारोबार है मिर्जा साहब दा। अच्छा। हां जी ओ थैला जा लेके ना धरूड़ियां तो कागज चुगदे ने ते थैले दे पिछे लिखाया हमारी और कोई ब्रांच नहीं। रवीना जी जे बंदे को बहुत पैसा दे ना ते लाहौर च 20-25 अपनी डई भले दी रेड़ियां लवा लैंदा। तुसी की कह रहे हो कि मिर्जा साहब दा की निकले? प्राइस बॉन्ड। मैनू उहनां दे मुंह ते लगदा जिवें उहनां घरों सप्प निकलाया। वो एटीट्यूड में बैठे हुए इस टाइम, वो आपको या हमें से किसी को मुंह नहीं लगा रहे, समझ नहीं रहे। हाँ जी होए होए होए, सर वीना से बात करना चाह रहे हैं। वो प्लॉट तो आपने डिफेंस में लेने फौरन से पहले, मैं आपको बता रहा हूँ। यार मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुने आपकी? आप पैसा बहुत ज्यादा आगे सर। अब देखिये मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने मेरे साथ वैसे ही प्यार रखना है। यह बंदे को पैसा देना फ्रूट वाली रेडियो बैटरियां किराए देने लग पा। मैं आपसे बात ये क्या बात करनी है आपने यार? बात क्या करनी है? यार मेरी बात तो सुने यार। जी पैसा बहुत ज्यादा। रुक जाएं, इस कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हैं क्योंकि हमने गाना भी सुनना है। मिर्जा साहब प्राइस बॉन्ड निकला है आपका, बता दे। ओहो मेरा बॉन्ड निकला है लेकिन जेब चो। ओए ओए चोरी होया है। हां जी हां ही, तो मैं कहना हुक्के दी टोपी वरगा मुंह होई जान। तू पहले गल कन्फर्म कर ले कर पौना घंटा में तरीफा कराती हैं तू उन्होंने साडे को। अच्छा तो ये वजह है कि इतनी देर से खामोश है। चलें आपको चेयर अप करते हैं, एक अच्छा सा गाना सुनवाते हैं। ओह यस जी चलें ये कर लेते हैं। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियाँ मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस। आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियाँ।